बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे अपने घरों में। मैं भी अपने अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज जो हमारे किचन में रेसिपी बनने जा रही है बहुत ज़बरदस्त सी है, मीठा है, माई मोस्ट फेवरेट मीठा। जी हाँ, ब्रेड मलाई रोल बनेंगे, ब्रेड मलाई रोल बनने जा रहे हैं। तो साथ साथ आज मैं इसको बनाती जाऊँगी और साथ साथ ही आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती चली जाऊँगी, दो चार स्टेप्स हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कुक करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है एक पॉट में और फ्लेम को ऑन कर लिया। तकरीबन ये मेरा एक किलो के करीब दूध है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसमें बाकी चीजें हम शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देखें बॉयल आ चुका है, मैं फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी और इसमें चीनी शामिल करूंगी। आप हसबे जायका शामिल कर सकते हैं, मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें चीनी की शामिल करूंगी। मिक्स करूंगी इसको। अब ये दूध है, ये थोड़ा सा दूध मैंने इसी में से निकाल लिया था और इसमें ज़ाफ़रान मिला लिया है थोड़ा सा, इससे बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। अब ये शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़ाफ़रान के एसेंस मिलते हैं बॉटल्स में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। ये शामिल कर दिया है। इसके अलावा इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी ये दो चीज़ें जो शामिल की है, थोड़े से पिस्ते तकरीबन आप 1 से 1.5 टेबल स्पून कर ले, और थोड़े से बादाम चॉप किए हुए मैंने फाइन छोटे छोटे। चल आप इसको हम पकाएंगे, मिक्स करेंगे और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 5-7 मिनट इसको पकाएंगे हम, और उसके बाद फिर इसमें क्रीम शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, इसको पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। अब इसमें क्रीम शामिल कर दूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम जाएगी। क्रीम भी चलेगी ये। अब इसको फिर मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे हम। इसको इतना पकाना है कि ये क्वांटिटी में हाफ हो जाए, ठीक है। 1 kg है तो ये 1/2 kg के करीब रह जाए। अंदाजे से 4 कप थे 1 kg में, तो आपने इतना पकाना है कि ये तकरीबन 2 कप रह जाए, और स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है आहिस्ता आहिस्ता। जी व्यूअर्स, अब ये देखें दूध जो है ये हमारा क्वांटिटी में आधा हो चुका है, हल्का हल्का सा इसका येलो कलर भी आना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन हमारा रबड़ी जो दूध है वो रेडी है। जैसे इसको थोड़ा सा जैसे दूध की बोतल नहीं पीते हम लोग, तो दूध पका के गाढ़ा हो जाता, गाढ़ा थोड़ा सा और येलो होना शुरू होता, हमें उस तरह का चाहिए। तो अब ये क्वांटिटी से हाफ हो चुका है, ठीक है। अब मेरे ये डन है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है, 4 टेबलस्पून जो चीनी थी मीठा बिल्कुल मुनासिब है। अब इसको तार के एक तरफ रख लूँगी, ठंडा होगा, और जब अब हम करेंगे खोए की प्रिपरेशन। खोए के लिए किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, और वो उनके इन्ग्रीडियंट्स के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊँगी। जी व्यूअर्स, अब रबड़ी मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें खोए की तैयारी करनी, वो मैंने अलग एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसके लिए मैंने दूसरे पैन में तकरीबन 1.5 कप नॉर्मल जो दूध है खुला वो डाल लिया है, उसमें पाउडर मिल्क जाएगा 1 कप शामिल करेंगे। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, ऑफ है। अब इसको मिक्स करेंगे इसमें, तो एक थिक सा जो है गाढ़ा सा एक टेक्स्चर बन जाएगा, और लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें अच्छी तरह से मैंने दूध को मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इसको फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छी तरह से हमारा जो है मिक्स हो चुका है, जो ड्राई पाउडर मिल्क है वो दूसरे मिल्क के साथ। अब इसको पकाएंगे 2-4 मिनट, और साथ साथ ही अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। चीनी डालेंगे, शुगर हसबे जायका 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून टेस्ट के हिसाब से मैं टेस्ट कर लूँगी, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे, साथ इसमें इलायची पाउडर जाएगा, हरी इलायची का 1/4 टीस्पून ये शामिल कर दिया है मैंने। मिक्स करेंगे इसको, पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, अब मेरे जो है 2 मिनट हो चुके हैं, मुझे कार्डमम पाउडर डाले हुए और पाउडर मिक्स डाले हुए इसको कुक करते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मक्खन के जाएंगे, इसमें बटर शामिल करेंगे,
ये बटर चढ़ा गया इसमें। अब इसमें साथ ही हम अपनी क्रीम को भी शामिल कर देंगे, ये भी 2 टेबल स्पून ही जाएगी इसमें, और इसको हम पकाएंगे। जब तक पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा सा एक मिक्सचर नहीं बन जाता। जी व्यूज, ये देखें, आप देख रहे हैं गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे। अभी मीठा मैंने टेस्ट कर लिया है, 3 टेबल स्पून बिल्कुल ज़बरदस्त मुनासिब मीठा था। जो जो मैंने आपको बताए हैं इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेट हैं, बस इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, फिर हमारा ये खोया भी रेडी हो जाएगा। जी व्यूज़, अब देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो खोया तैयार हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसको मैं जो है बस फ्लेम ऑफ करूँगी और एक तरफ रख दूँगी ठंडा। आप देख रहे हैं इसी तरह का मुझे इसका टेक्सचर चाहिए, देखें कितना गाढ़ा हो गया है। चलें, अब हमारा खोया भी रेडी हो गया है, रबड़ी दूध भी रेडी है। अब हम अपनी ब्रेड के रोल बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अब एक डबल रोटी ले लेंगे, मेरे पास नॉर्मल साइज़ की है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। उसके किनारे जो है जितने आपको बनाने हैं काट के एक तरफ रखेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसको जो है हल्का हल्का करके हम बेल लेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए, क्योंकि इसी में हमने अपना खोया जो है वो फिल करना है। ये देखें, अच्छे से देख रहे हैं आप ब्रेड हमारा किस तरह पीस जो है फ्लैट हो चुका है, ताकि अच्छी तरह से जब हम रोल बनाएंगे तो टर्न हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब क्रीम जो है एक लेयर क्रीम की लगाएंगे इसमें। फ्रेश क्रीम है, फ्रेश ले लें, डब्बे वाली है डब्बे वाली ले लें। ब्रेड पे हम क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, चल बहुत ज़्यादा नहीं, ये लग गई। थोड़े से इसमें बादाम, थोड़े से पिस्ते स्प्रिंकल करेंगे। जी व्यूअर्स, अब खोया लेके उसको मैं इस ब्रेड के अंदर रखूंगी, आप रोल की सूरत में रखेंगे इस तरह, ये देखिए, ठीक है, ये रख लिया। अब हम इसको रोल करेंगे इस तरह करके, ये देखिए, ये हमारा रोल रेडी है। इसी तरह करके हम सारे रोल बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये सारे रोल बना के मैंने डिश में जिसमें आपने सर्व करना है निकाल लिया है। अब जो रबड़ी मिल्क था वो इसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे हम। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, पहले से मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर डालेंगे, साइडों पे सारा डालेंगे। अब थोड़े से पिस्ते बादाम, वैसे तो इसके अंदर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर डेकोरेट करने के लिए पिस्ते बादाम डालेंगे हम। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मज़े का ज़बरदस्त मीठा है, मेरे मोस्ट फेवरेट मीठों में एक है। और ये जब किसी को आप इनवाइट करते हैं दावतों वगैरह में बनाएं तो लोग देख के भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा ज़बरदस्त सा मीठा ब्रेड मलाई रोल, बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी, आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी दुआओं, प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट की हमेशा से मुझे ज़रूरत थी, आगे भी हमेशा रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।